नमस्कार, मैं प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ हंगर्स कॉर्नर में। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए कस्टर्ड टूटी फ्रूटी की आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है और ये देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है। इसे देखते ही बच्चे झट से खा लेंगे और आप अगर इसे बनाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। और चलिए रेसिपी शुरू। कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए ये मैंने आधा लीटर से ज़्यादा दूध ले लिया है। इसे मैं गैस पर रख दूंगी और थोड़ा सा दूध एक कटोरी में गल लेंगे। और जो हमने कटोरी में दूध लिया है उसमें हम 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। ये 3 चम्मच हमने ले लिया है और ये कस्टर्ड पाउडर मैंने वनीला फ्लेवर का लिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया। और अब चलते हैं गैस की तरफ। दूध में उबाल आ गया है और अब हम इसमें 6 चम्मच चीनी डाल देंगे। मैंने 6 चम्मच चीनी डाल दी है और आप चीनी अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। चीनी जब तक मेल्ट होगी तब तक हम इसे मिलाते रहेंगे। अच्छे से मिलाइएगा कि चीनी बिल्कुल घुल जानी चाहिए। चीनी घुल चुकी है और अब हम जो कस्टर्ड पाउडर का ये हमने तैयार करा है इसको हम धीरे धीरे डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। पूरा एक बार में आपको नहीं डालना है, धीरे धीरे ही डालना है जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए और लम्स ना पड़े। ये हमने सारा डाल दिया है और अब हम इसे चलाते रहेंगे क्योंकि कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद तले में लग सकता है। ये देखिए चलाते चलाते कितना गाढ़ा हो गया है और अब ये देखिए ये कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए इसकी। और अब हम इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा इसके ऊपर से मलाई ना पड़े, तो बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए। ये देखिए ठंडा भी हो गया और देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, अब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम इसे किसी भी बॉक्स में डाल देते हैं। ये हमने एक बॉक्स में डाल ली है। अब हम इसका ढक्कन लगा के 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे और फिर मिलते हैं 3 घंटे के बाद। आइसक्रीम को हमने फ्रिज में से निकाल लिया है, 3 घंटे हो गए हैं और अब हम इसको एक बाउल में डाल लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे, इससे आइसक्रीम में खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाएगा। और बीटर से इसे बीट कर लेंगे। ऐसा करने से ये होगा कि आइसक्रीम आपकी बहुत सॉफ्ट बनेगी, जैसे बिल्कुल बाजार की होती है। पूरे 5 मिनट हो गए हैं, हमने 5 मिनट तक इसे लगातार बीट किया है। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी मिला देंगे। तो ये मैंने बादाम डाल दिए, थोड़े से काजू, ये रेड और ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर एक बार इसे हम डिब्बे में डाल देंगे। तो डिब्बे में डालने से पहले थोड़े से ड्राई फ्रूट्स नीचे डाल दीजिए और आपकी टूटी फ्रूटी भी आप डाल दीजिए इसमें। और सारी आइसक्रीम ट्रांसफर कर दीजिए। ये हमने डिब्बे में डाल दिया। अब हम इसे थोड़ा सा टैप कर देंगे और बाकी ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी ऊपर से लगा देंगे। ये देखिए हमने
टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स डाल के कितनी कलरफुल बना ली है। टूटी फ्रूटी आइसक्रीम है तो टूटी फ्रूटी तो होना जरूरी है। अब हम इसे फ्रीजर में सेट करने के लिए रख देंगे। अब हम पहले सिल्वर फॉइल से इसे कवर कर देंगे जिससे कि बिल्कुल भी एयर ना जाए, और फिर ढक्कन लगा देंगे और करीब 5 से 6 घंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में रख देंगे। इसे ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। आइसक्रीम हमारी तैयार हो गई है, चलिए हम इसे खोल देते हैं। वाओ, देखिए कितनी सुंदर आइसक्रीम जम के तैयार हुई है। चलिए एक कटोरी में निकाल लेते हैं। ये लीजिए कस्टर्ड टूटी फ्रूटी आइसक्रीम हमारी तैयार है। और आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है कि झट से इसे खा लें। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।